तो हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं गाइस आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, ये जो अब मैंने डिवाइस बनाया था, तो ये डिवाइस पहले से म्यूजिक सिस्टम था, लेकिन जो है इसमें मैंने कुछ अलग मोटर लगा इसे चेसर बनाया था इस डिवाइस को, जो कि दिवाली में बहुत ही काम का चीज़ है, आने वाला है। ठीक है, तो इसे आप बना लीजिए, क्योंकि कैप में इसे लगा दिया था। ठीक है, तो गाइस बहुत ही मस्त अमेजिंग अच्छा वर्क कर रहा था ये। ठीक है, और एक बार जो है आप भी इस तरह से बना लीजिए डिवाइस। ठीक है, तो चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ कि क्या है, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो ऐसे में आपको जो कुछ इससे जो है कुछ अलग मैं प्रोजेक्ट डिवाइस बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया है कि ये क्या है और क्या चीज़ है ना? आप लोग इतना स्मार्ट हो, पहले से पता चल जाता आप लोग कि क्या चीज़ है। तो गाइस देखिए, ये है चेसर। ठीक है, और बहुतों को पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक गियर मोटर लगा गया है, एक यहाँ पीवीसी पाइप दिया गया है, इसके ऊपर से जो है इस तरह का मेटल दिया गया है रोल करके। उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है, और एक पीवीसी पाइप सेट करके नीचे में एक एक स्क्रू यहाँ पे लगाया गया है, और ये एलईडी की जगह जो है आपको जो है यहाँ पे ये एलईडी जो है यहाँ पे आप एसी वोल्ट दे सकते हैं, 220 वोल्ट लाइट लगा सकते हो। ठीक है, और एक पावर आपको जो है यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, एक पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, इस तरह से जो आपको करंट देना है, एक यहाँ से रन होगा और एक यहाँ से रन होगा। यहाँ से ये अंदर वाला सीरीज है, इसमें डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो यहाँ से रन करेगा और यहाँ से, अगर गाइस आप ये डिवाइस बनाना चाहते हो तो बस एम कुमार टेक्निकल पे जाके आपको सर्च करना है, मिल जाएगा। ठीक है, और गाइस आप देख पा रहे हो, अब जो है मैं इसका कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, जो कि मुझे चाहिए इस हिस्सा का। तो चलिए इसे मैं अब कट करूँगा इससे। तो सबसे पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, बनाते रहता हूँ, तोड़ते रहता हूँ, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। फिर जो दिवाली आएगा फिर अलग मैं चेसर बनाऊँगा। ठीक है, ये चेसर तो अभी काफ़ी ओपन कर लेते हैं इसको। तो सारा फंक्शन जो है मैं इसे ओपन करके एक प्रोजेक्ट के लिए मैं तैयार कर लूँगा। इसका बॉक्स चाहिए था मुझे, तो ऐसे तो पीवीसी पाइप का मैं बना सकता था, लेकिन चलो बना ही हुआ है तो थोड़ा सा और मेहनत उतना क्यों करें। ठीक है, तो चलिए मैं इसका जो सारा एलईडी निकाल लेता हूँ, और इसका जितना भी फंक्शन आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से होल करके जो है मैंने सब में इसका अच्छे से कनेक्शन कर दिए थे। तो चलिए इसका कोई मोड़ जो आपने इसका बॉक्स को, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और बनाने वाले हैं न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ नहीं गाइस, आपको एम कुमार टेक्निकल में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यहाँ में सारा, अभी जितना अभी बंदोबस्त कर रहा हूँ, यानी कि इकट्ठा कर रहा हूँ सारा सामान 5S। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है अब देख पा रहे हैं इस तरह से स्क्रू लगा के इसे फिक्स किए थे, है ना? आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा और वर्क भी अच्छा करता है इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं फिर इसी पाए कैसे, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ओनली पीवीसी पाइप है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं सिर्फ पीवीसी पाइप से सब कुछ हुआ था, और पीवीसी पाइप जो है बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत ही सब प्रोजेक्ट में ये काम आता है। तो यहाँ से मैं एक स्क्रू दिया था, स्क्रू को निकाल दिया हूँ ताकि ये सपोर्ट में था इसका। ठीक है, तो इसका जो है ये निकाल लूँगा। नो, बहुत इसमें भी स्क्रू लगाए थे। तो ऐसे इस तरह का आप देख पा रहे हैं मैंने बनाया था, जैसे कि जैसे यहाँ जैसे था कट, जैसे इस तरह सब ये था मेटल, जहाँ यहाँ टच होता था तो ये चलता था, ये रोटेट होता तो यहाँ पे आ जाता था, तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं है तो नहीं चलता था, फिर यहाँ रोटेट होता था तो ऐसे 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 सब में चलते रहता था। ठीक है, तो इसी तरह प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। और यहाँ पे अब गियर मोटर आप देख पा रहे हैं, एक गियर मोटर मैंने लगाया था, तो इस गियर मोटर को भी निकाल लेता हूँ।
ठीक है। तो गाइस वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है, और मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो गियर मोटर है वो दिवाली लाइट आप देख पा रहे हैं, दिवाली लाइट होता है ना उसी के अंदर जो है ये मोटर आता है, ठीक है, गियर मोटर आता है, ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए क्यों ना इस गियर मोटर से ड्रिल मशीन बनाया जाए, लेकिन इसका स्पीड जो है वो स्लो होता है इसीलिए, लेकिन ये फास्ट भी रन करता, मतलब ये जो है हेवी बहुत अच्छा गियर मोटर है ना, तो इसको रोक नहीं पाएंगे इस तरफ से। तो ये भी एक जो है ड्रिल मशीन जैसा वर्क करेगा अगर इसमें बना दिया जाए तो, ठीक है। तो चलिए मुझे तो इसी का ज़रूरत था, और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगा यहाँ से, ठीक है, इतना दूर से मैं इसे कट कर लूँगा, है ना। और ये सब चीज़ जो है कोई चीज़ बेकार नहीं है, हर पीवीसी पाइप वर्क करेगा, और ये एलईडी तो कभी बेकार ही नहीं जाएगा, ठीक है। और ये मेटल स्क्रू सब एक काम आएगा प्रोजेक्ट में, है ना। तो चलिए इस सावर सारे स्क्रू को यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ जो है बहुत ही काम का चीज़ है, ये चीज़ बेकार चीज़ नहीं है, ठीक है। एक वायर, एक छोटी से वायर का जरूरत पड़ता है बाद में, ठीक है। तो चलिए इसे रख देते हैं, ठीक है, सारे चीज़ को। अब जो गाइस इसको जो है करने वाले हैं कट, तो कैसे कट करेंगे, हैक्सो से कर लेते हैं सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगा एक, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे मेज़र कर लूँगा इसका साइज़ अच्छे से, ताकि हम अच्छे से इसका जो है निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेजर करके मैं यहाँ पे लाइन देखें, पेन से मार्क करके इसे इस तरह से, चलो इसे काट लेते हैं, उसके बाद इसको इसी हिसाब से काटेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी से जो मुझे एक बॉक्स चाहिए था, चूँकि मैं पीवीसी पाइप का गाइस मैं बना सकता हूँ, फिर भी चलो इसी से क्यों ना कर ले, ये भी बेकार ही पड़ा है। तो इसी से मैं इस तरह से कट कर लूँगा, और इधर भी मैं अच्छे से मेजर कर देता हूँ, है ना। इस बॉक्स को पूरा जो है इधर से इधर दो भाग में कर देना है, क्योंकि इससे तो मुझे कुछ काम है, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से, आप आपका भी कोई बॉक्स हो तो आप भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो फिर क्या, थोड़ा सा मेजर डिस्टेंस साइड चला गया, है ना। या फिर जो आप नेम बॉक्स बना सकते हो पीवीसी पाइप का, बहुत हो बनाया है मैंने, ठीक है। तो चलिए क्यों ना इसी से किया जाए, और पीवीसी पाइप देखते हैं गाइस इससे हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो पीवीसी पाइप का ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है अभी, बस यहाँ पर जो इसे कट करेंगे हम ये हैक्सो से, ठीक है। तो गाइस ये तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, देख पा रहे इतना जो है कट गया है, ठीक है। थोड़ा जो टाइम लगेगा काटने में से, तब तक के लिए ठीक है, आप एम कुमार टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट उसी में आने वाला है। तो बस मैं इसे फिनिशिंग देना चाहता हूँ बॉक्स को रेडी करके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए स्टूडियो में, तब तक के लिए ये काट लेते हैं, ठीक है।
तो गाइस सब लोग कितना वेट कीजिएगा, तब तक जो है खाट रहे हैं, ठीक है वो थोड़ा बाकी है, ठीक है थोड़ा सा कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट में ऐसे ही नहीं बनता गाइस, उसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे में कोई भी चीज़ बन जाता तो कोई बात नहीं, देख पा रहे हैं गाइस ये जो है इधर थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी सारा जो है ये हो गया है। और मैं अभी झाड़ से इसे काटूंगा ताकि गाइस अब देख पा रहे हैं कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, और कितना मेहनत लगता है। और आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा सा एक बटन क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग को गाइस कितना मेहनत लगता है इस प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है, जो वीडियो में दिखाते हैं कि इतना मिनट लगा है, इतना टाइम लगा है, वो तो बस एडिट करके शॉर्ट में कर देते हैं, लेकिन रियल में जो मेहनत है गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो में एडिट नहीं करता हूँ, हो सके थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, लेकिन एडिटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं इस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में जितना कुछ मैं कर रहा हूँ सब जो है रियल टाइम है, ठीक है, फेक टाइम नहीं है थोड़ा सा भी। तो गाइस सब देख पा रहे हैं ये जो है कट हो गया है, इसका जो रथ था तो इसी में इसी शेप में जो है सबको मैं इसे काट लूँगा, ठीक है। तो इसको चलिए काट लेता हूँ, और थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा नहीं। ठीक है यहाँ तक, और जो है इतना थोड़ा बचा हुआ पीछे साइड की ओर, तो चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ और जो है इसे कट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका बैलेंस टेढ़ा हो गया है, ठीक है, तो इसे कोई बात नहीं, इसे मैं कट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। इधर भी गाइस आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा लाइन से इधर हो गया, तो इसके लिए फिर से यहाँ से अच्छे से कट करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा बचा हुआ गाइस, इधर को भी काटते हैं। इधर से उधर सब सामान यही गिर रहा है, ऐसा ही होता है गाइस रियल वीडियोस में, ठीक है। इधर का सामान उधर, इधर से सामान इधर, ठीक है। वो जो ऐसे वीडियो एडिट करके दिखाया था वो तुरंत हो जाता है, लेकिन जो है रियल में पता चलता है आपको कि कैसा कितना मेहनत और कितना टाइम लगता है। गाइस लो हो गया, तो गाइस अब देख पा रहे इसका जो ढांचा बनाने में ही हमको इतना टाइम लग गया है, ठीक है। ये इधर है ना, इसका बॉक्स बनाने में भी हमको इतना टाइम लगा। हम गाइस एकदम बराबर कट हुआ है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है।
ऐसा लग रहा कट हुआ नहीं ना, दो भाग में टूट गया। तो इसी का जरूरत मुझे है, काफ़ी हैवी और मज़बूत है। ठीक है गाइस, और एक चीज़ आप कर सकते हो, इसका साइड का जो ये है इसे भी काट के इस तरह से इधर आप चिपका सकते हो, यानी कि आपका पूरा बॉक्स जो है कंप्लीट रेडी हो जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। तो क्यों ना ऐसा करें। ठीक है, क्या इस तरह से बंद रहेगा पूरा। कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ इसे पीवीसी पाइप को इस तरह से, इसका पीवीसी पाइप से मैं इसे बंद कर दूंगा इस तरह से, है ना। इसका क्या ऑप्शन, पीवीसी पाइप से ये तो नहीं हो रहा है, कुछ मोटा सीट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसे बंद करने के लिए, और मैं इसे कर दूंगा तब तक के लिए गाइस। अब तो ये तो कट गया, चलिए अब तो बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एम कुमार टेक्निकल में, कि ये प्रोजेक्ट किस लिए मैं काट रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।